हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स की और इसका रिवीजन करेंगे एक बार फिर से। नाउ लेट्स स्टार्ट विद लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट क्या है उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि लॉजिक गेट सामान्य तरह से दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। फंडामेंटल लॉजिक गेट्स मीन्स वो प्राइमरी गेट्स जो इनिशियली हमको कुछ लॉजिक ऑपरेशंस के बारे में जानकारी देते हैं, और दूसरे होते हैं यूनिवर्सल गेट। तो फंडामेंटल गेट में सबसे पहले एंड गेट होता है, फिर और गेट होता है और एक नॉट गेट होता है। जो इनके सिंबल होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आपको दो इनपुट एक आउटपुट के साथ बनाना है, ऐसे एक और गेट होता है और जो इसका काम होता है वो भी आप जानते हैं। इसी तरह से नॉट गेट होता है, नॉट गेट में भी आपको, इसको इन्वर्ट गेट भी बोलते हैं, जो इनिशियली किसी भी इनपुट का इन्वर्ट कर देता है। इसी क्रम में दो यूनिवर्सल गेट भी होते हैं सामान्य तौर पर जो हमारी क्लास में है, उनमें एक नैंड गेट होता है और एक नॉर गेट होता है। तो जो नैंड गेट होता है उसमें एक एंड गेट होता है और उसके साथ एक इन्वर्ट गेट होता है, यानी एक नॉट गेट उसमें हम लगा देते हैं तो वो बन जाता है एक नैंड गेट और ये यूनिवर्सल गेट होता है। इसी तरह से एक जो नॉर गेट होता है उसमें एक और गेट होता है और उसके साथ एक इन्वर्ट गेट होता है। जो इन्वर्ट गेट होता है और गेट होता है, दोनों को मिला दें तो नॉर गेट बनता है।